हमारे साथ डांडी हो गई तो सुन लो, डांडी नहीं आपके करतूत आपके शिकस्त की वजह बन रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी गिरफ्तारी पर हाथ डाला है, हमारा इनसे वादा है कि एक दिन आपकी गिरफ्तारी पर भी हाथ डालेंगे। पाकिस्तान में ऐसा माइक लाल पैदा नहीं हुआ जो कश्मीर का एक इंच भी बेच सके। वो जो बेचेगा अपने बाप का नहीं होगा। कश्मीर किसी का बाप भी नहीं बेच सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम, मैं हूं तारिक महमूद। बहुत सारी बातें हैं करने की। फेडरल कैबिनेट ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। अमीन गंडापुर पर जो आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का कहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जो है उसके ऊपर खासी गर्मा गर्मी है, बहुत जो सियासी दर्जा हरारत है उरूज पर है। बदकिस्मती की बात यह है कि एक दूसरे को एक बार फिर मोदी का यार, भारत नवाज, एक पाकिस्तान बेचना, गद्दार, इस किस्म की बातें इलेक्शन कंपेन के अंदर हो रही हैं। मोने सिलाई साहब को वफाकी वजीर बना दिया गया है। काफली के जो पहले कहते थे कि जी इमरान खान साहब को रिजर्वेशन है, खुद काफली कहती थी कि जी वो नई दूसरी वजारत लेना चाहते, लेकिन आज मोने सिलाई साहब के बारे में इतलात हैं कि उन्हें फेडरल मिनिस्टर जो है और मिनिस्ट्री भी उनको दी जा रही है। फिर एबटाबाद के हवाले से आज जो फुटेजेस हैं वो वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। 8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन एबटाबाद में बारिशें ज्यादा हुई हैं, मगर अयूब मेडिकल जो हॉस्पिटल है ये उसके मनाजिर हैं। किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं, जो स्ट्रेचर्स हैं, जो बेड्स हैं, वो आपको वहाँ तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों ने वीडियो बनाई है। बहुत सारे सवालात हैं इमरान खान साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से। तमाम मौजूदात पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना मोहतरम जनाब मखदूम जैन कुरैशी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब कादिर बंदुखेल साहब। जैन साहब, ये जो अब टीएलपी पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखा गया है, जरा इसकी मुझे डिटेल बता देंगे, क्योंकि पहले कमेटी बनी थी, कमेटी ने ये रेकमेंड किया है और फेडरल कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है, ये स्टेटस है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफिज साहब, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूंगा आपने प्रोग्राम में मदू किया। यकीनन ऐसे ही है, आपके इल्म में है कि पहले कमेटी बनी थी, उन्होंने एक स्टिप्यूलेटेड टाइम दिया था टीएलपी को उसके अंदर रिव्यू भी फाइल करने का, उन्होंने रिव्यू नहीं फाइल किया था, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से आज काबीना ने फैसला किया है उनके उस बैन को जो है फर्दर एक्सटेंड करने का। तो ये जो कह रहे थे कि कोई बैकडोर निगोसिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, शायद कोई मामला निकला है, तो वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं निकली है? यकीनन ऐसे ही होगा, अगर ऐसी सूरत हाल नहीं निकली होगी तो ये फैसला किया गया होगा। फैसला बेसिकली देखें, इसके अंदर उनके पास ये प्रोविजन मौजूद थी कि वो इसके खिलाफ रिव्यू में जाएं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई रिव्यू की पिटीशन भी नहीं आई और उन्होंने कोई ऐसी मेरे ख्याल से एक्सरसाइज भी नहीं की, तो कैबिनेट की डिसीजन थी वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में तो उन्होंने रिव्यू दिया था, उसको शायद रिजेक्ट किया है कमेटी ने। मेरे हाफिज साहब इल्म में नहीं है उनका, ये अगर आप कह रहे हैं तो दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है ये बात। ठीक राणा साहब, अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है, लेकिन इसकी जो अब पेचीदगी है वो आगे आने वाले दिनों में आपको नजर आती है या नहीं? ठीक है, वो कहते हैं अब इलेक्शन कमीशन से भी उनका निशान खत्म कराएंगे, अभी तक तो बल्कि बंदुखेल साहब का जो हल्का है वहां पे जो है वो तीसरे नंबर पे उनके कैंडिडेट ने वोट लिए थे, वो भी बात करते हैं, क्या नजर आता है आपको? देखिए हम सब लोगों को पता है कि ये चीजें वापस आप इनको करते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त तहरीके लब्बैक का जिस तरह धरना था और जिस तरह वो कर रहा था, जो उस वक्त बातें करते थे, यूजुअल जिस तरह तहरीके इंसाफ ने उस वक्त बातें की, बहुत सारे इश्यूज पे बातें की, आज वही इशू उनके सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से हैंडल कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके पास क्या कौन सा जो उस वक्त नहीं था जब हमारे खिलाफ वो करते थे हमारा सिलसिला, तो अब नई बात तहरीके लब्बैक में कौन सी आई है जो इन्होंने इतने
सख्त इकदाम किए हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंशन भी हो रही है, फिर उनको इलेक्शन कमीशन से भी करवाया जा रहा है कि ये नई रजिस्ट्रेशन उनकी और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये हल नहीं है। देखिए किसी ना किसी शक्ल में अगर कोई एक चीज आप पाबंदी लगाते हैं तो वो दूसरी शक्ल में सामने आ जाती है। असल में बात तो है कि उनके साथ इस किस्म की डायलॉग किए जाएं जो बुनियादी एक चीज होती है किसी इशू को वंस फॉर ऑल हल करने का। तो मेरा ख्याल उनसे बातचीत करें और जो इरिटेंट्स हैं उन पे अगर वो मुतफिक हो गए मेन स्ट्रीम में चले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर पाबंदी से चीजें दबती हैं या वो खत्म होती हैं तो फिर मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेयर्स होते हैं मेरे मुताबिक वो हमेशा इतने कारामद हम नहीं होते जितने आपको पॉलिटिकल डिसीजन लेने चाहिए। ठीक मंतुखिल साहब, अब ये लीगल ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं, वो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी इस हवाले से? फेडरल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, बेवकूफ बना रही है आवाम को, कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं ये सवाल करूं, मैं मेरे मद मुकाबिल 276 पोलिंग स्टेशन में से 235 में TLP दूसरे नंबर पर थी, नून लीग तीसरे नंबर पर थी। इससे पहले जनरल इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में जहां मैं भी खड़ा था 23,000 वोट लिए उन्होंने। तो फिर उसके बाद जो खून खराबा लाहौर को हुआ था उसका क्या हुआ, किसी को इंसाफ मिला? फिर कराची में जो धरना दिए उसमें हमारे कारकुन जो है ना वो अंधी गोली का निशाना बन के शहीद गए, माँ बाप का अकलौता बेटा था, अकलौता कमाने वाला था। अब इन सारी चीज़ों के बजाय उन लोगों को इंसाफ देना, उनकी दादरसी करना, पाबंदी लगा दी, चलो भाई आपको किसी से भी इम्प्रेस करने के लिए या FATF में अपने नाम जो है ना ग्रेड लिस्ट से निकालने के लिए, पता नहीं जो भी आपके जहन में था वो निकालेंगे। लेकिन फिर हैरत वाली बात ही, अभी जो जमनी इलेक्शन हुआ 29 अप्रैल को, 1.5-2 महीने पहले, वही TLP उसी निशान पे, यानी पाबंदी लगाई वफाकी हुकूमत थे, मगर इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं है, किसी ने अप्रोच भी किया उन्हें, भाई हमें तो कोई वो नहीं, हम तो करें, यानी उसी क्रेन का निशान पे TLP ने अपने एज ए पोलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ा। अब ना जाने पता नहीं कहाँ से फिर उनको कोई सूझा कि ओ भाई ये सारी चीजें छोड़ दो, शेख रशीद को उठा दो, FATF से नाम निकल जाएगा उसका, सीरियसली मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे फसाद का जड़ शेख रशीद है। शेख रशीद का FATF से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो डाकू को बैंक मैनेजर बना दो तो गहरा ताल्लुक है। ओ भाई सब कुछ यही तो कर रहा है, सब कुछ इसी के हाथ में था, माजी उसका देख के रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया उसे, आपने बना दी वजीर दाखिला, यानी जो 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 जिस जिसकी शर से खुद कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं है वो उसको आपने पूरे मुल्क जो है ना वजीर दाखिला बने। फिर आप कहते हैं, मैंने तो असेंबली में बात की है, शायद राणा साहब ने मेरे से बात सुन भी ली होंगी, मैंने कहा इनको ये FATF इनके होते हुए FATF से आपका नाम नहीं निकलेगा। तो TLP से के ऊपर अचानक फिर पाबंदी लगाना, और ये ड्रामा है, मैं कहता हूँ पाबंदी अभी भी नहीं कहता हूँ, जो पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, जो चल रही, जिसकी इस वक्त 20 सिंध असेंबली में 3 MPA बैठे हुए, आपने क्या किया, उसी आपने पाबंदी लगाने के बाद और उनके साथ जुल्म सितम करने के बाद आपने उन्हीं को उन्हीं के निशान पर दोबारा इलेक्शन लड़ ली। ये काबीना कहां थी, ये लोग कहां थे, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा किसको इंप्रेस कर रही हो। बार ना लेना चाहती हो, कहती हो अदालत से हो जाए बहाल, तो हम कहेंगे हमने तो नहीं किया, कोर्ट से जो कुछ भी हो, तो ये हो सकता है कि उनके जहन में हो? नहीं नहीं, उनके जहन में ये कानून तो ये है जो आपने शुरू में, कानून तो ये है कि वफाकी हुकूमत को अदालत में जाना चाहिए, अदालत में अगर वाकई वो सीरियस है। लेकिन मैं ये भी नहीं समझता हूँ जाना चाहिए, मैं ये कानूनी ऑप्शन बता रहा हूँ करते हैं जो राणा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए बात जी, बिल्कुल ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब जैन साहब, वो चूंकि आप अपनी पार्टी के अंदर भी वो हैं कि जिन्होंने हमेशा अगर कोई गलत बात हुई है तो आवाज उठाई, ये आजाद कश्मीर के इलेक्शन में हर तरफ से जो जबान इस्तेमाल हो रही है, और जो फिर जिस तरीके से फेडरल मिनिस्टर अली अमीन साहब ने आज फिर वो डाकू और डाकू की बेटी और ये वो चीजें, ये टेम्परेचर बढ़ा के हासिल क्या होना है फिर एक दूसरे को कि जी ये मोदी का यार और गद्दार और ये चीजें, हम कहां ले जा रहे हैं जैन साहब? हाफिज साहब, मैं आपके ये कश्मीर वाले सवाल का जवाब देने से पहले जरा 2 मिनट पिछली टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। राणा साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल इज्जत है और वो किसी हद तक दुरुस्त फरमा रहे थे कि अब जो TLP का इशू है, एक तो बड़ा हसास मामला है, दूसरी बात इसको ये एक अब एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है, इस पर इनके दौर में क्या हुआ, हमारे दौर में क्या हुआ, आई थिंक हमें इस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क के लिए बेहतर क्या है। मंजू खेल साहब ने खुद उसका जो है आपको एग्जाम्पल दे दिया
कि जो कुछ लाहौर में हुआ था, पुलिस स्टेशन के ऊपर जो उन्होंने जलाओ घेराव किया था, जो डीएसपी को किडनैप किया था, यरगमाल बनाया था उसके बाद, तो ये पाबंदी तो तब लगाई गई थी, कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई। उस पाबंदी को होल्ड अप किया गया या एक्सटेंड किया गया है कैबिनेट के उसके अंदर। तो ये नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं, इनको हमें नेशनल सिक्योरिटी ही रखना चाहिए। जहां तक फैटिफ की बात है, मंदोखेल साहब ने बात की है, किसी को भी इंप्रेस करना मकसद नहीं है। फैटिफ एक बहुत मेजर इकोनॉमिक कंसर्न है इस मुल्क का, और अगेन एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो इसके ऊपर कम से कम हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। आ जाते हैं कश्मीर वाली बात पे, और आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने हमेशा ये बात की है और आपको पता है कि मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरे समझने में गाली गलौज से, एक दूसरे पर जुमले कसने से या एक दूसरे को बुरा भला कहने से हम सिर्फ माहौल को मजीद खराब करते हैं, बेहतर नहीं करते। और कोई भी अक्रॉस पार्टी लाइंस में, ये नहीं कह रहा एक जमात करती है दूसरी नहीं करती, इस अमल के अंदर जो है ना सारे बराबर के शरीक हैं, हमें नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन्स हैं, होती हैं, आप भी इलेक्शन, हम भी लड़ते हैं, दीगर दोस्त भी लड़ते हैं, हमारे सीनियर्स हैं ये भी लड़ते हैं। इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर हीटेड हो जाता है, थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, मेरे नजदीक नहीं होनी चाहिए। बट ये कोई जिंदगी में पहली दफा नहीं हो रहा कि इलेक्शन में किसी ने को जुमले कसे हों। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, दीगर साहिबान जो हमसे बहुत सीनियर हैं, वो भी अपने इलेक्शन कैंपेनों में बातें करते थे, बातें होती थी, नहीं होनी चाहिए, बट इट्स पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन प्रोसेस। जैन सर, जो आप अपने लिए मयार सेट रखते हैं या लोगों के लिए बताते हैं पीटीआई, क्या अच्छा होता कि आपके फेडरल मिनिस्टर्स जो है वो इस कैंपेन में ना जाते, इन्फ्लुएंस ना करते, वो पैसे बांटने की वीडियोज ना आती, अली अमीन गंडापुर पे केस रजिस्टर ना होता, कश्मीर के इलेक्शन वहां पे छोड़ दिए जाते? तो ये तो होता है कि जी देखें, हमने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दिए हैं, जो कश्मीरी आवाम की मर्जी जिसको चाहे मुंतखिब कर दें, तो ये अच्छी बात ना होती? हाफिज साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन देखें इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, लोग कैंपेन में जाते हैं, लोगों पे पर्चे कटते हैं, ये तो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। क्या ये अच्छा ना होता? और मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाके तकरीरें की हैं कश्मीर के अंदर, फ्रेंकली स्पीकिंग इमेच्योर बातें की हैं, मरियम साहिबा ने जो जाके बातें की हैं, क्या बेहतर ना होता कि वो भी ना करते? मैं तो कह रहा हूं अक्रॉस पार्टी लाइंस, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा। अगर तरीके इंसाफ में किसी ने किया तो गलत किया है, अगर उन ऑनरेबल लोगों ने किया है तो गलत किया है। हमें जातियात पर नहीं उतरना चाहिए, हमें फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, अपनी कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है वहां पर, वो अपनी कारकर्दगी पर बात करते कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है। हम अपना प्लान देते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम ये करेंगे। पीपल्स पार्टी का एक बहुत असर रहा है कश्मीर के अंदर, सबका हुकूमतें रही हैं, वो अपनी बात करते हैं, हर किसी को अपनी बात करनी चाहिए थी, जातियात पे नहीं उतरना चाहिए, मैं तो इस बात को बिलीव करता हूँ। डाना साहब, ये क्या अचंभे की बात होगी कि अगर पीटीआई की अब फेडरल में गवर्नमेंट है, इनकी कश्मीर में हुकूमत बन जाए? जब आपकी फेडरल में गवर्नमेंट थी, आपकी बन गई कश्मीर में, जब पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत थी, उनकी कश्मीर में बन गई, तो क्या नया होने जा रहा है जिस पर एतराज है? अब सब बिल्कुल है, लेकिन मैं जैन साहब का जो एक तरीका है वो बड़ा महजब और जिस तरह आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पहले वाले इशू पे बात करूंगा। बिल्कुल मैं डोस नहीं करता कोई थाने पे रेड का हमला करे या रेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उसको चैलेंज करे, लेकिन क्या ये पैमाना सिर्फ दूसरे लोगों के लिए? क्या जब थाना पार्लियामेंट से ऊपर तो नहीं, क्या पीटीआई ने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया? क्या प्राइम मिनिस्टर उस पर हमला नहीं किया? जब आपको पता है 2014 में क्या पीटीवी के हेड जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला नहीं किया? तो ये चीजें फिर इन पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये चीजें हमें बड़ी एक सेंसिटिव बिल को बजा का एक डेलीकेट है, जिस तरह चीजें दबती नहीं है, इनको इस तरह करने से कभी मैं नहीं समझता कि किसी चीज का कोई हम हल निकाल सके आज तक। वो पहले पता नहीं कौन सा नाम था उसको, फिर बाद में दावते हो गया था, पहले लश्कर तजिबा था, फिर नाम चेंज कर लिया, जब जमात दावा, तो ये चीजें दूसरी शक्ल में आ जाती हैं। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में देखें शुरू किसने किया? क्या मरियम बीबी पहले गई है या पहले कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, कि ये कमेटी जाके इलेक्शनरिंग करेगी कश्मीर में, जिसमें अली अमीन गंडापुर थे और जिसमें इमराज सईद साहब थे और 4-5 और लोग, मैंने जो नोटिफिकेशन पढ़ा। तो ये मुझे बताएं कि ये सिलसिला शुरू किधर से हुआ?
अगर ये छोड़ देते तो हम में से कोई ना जाता। वहां तकरीरें क्या हुई, पैसे किसने बांटे, किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि क्या ये अच्छा होता, देखिए मैं समझता हूं कि अगर इनकी इनको वोटों के जरिए गवर्नमेंट बांधती है वहां पीटीआई की तो 1000 दफा बिस्मिल्ला, लेकिन अगर धांधली से या वही 2018 वाला रीप्ले करने या द्वंद में वो प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो जाने, एक तरफ तो ये बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन लॉज की बात करते हैं, हमारा सोल पर्पज ये है, पीटीआई कहती है कि शफाफ और शफाफियत लानी है इलेक्शन में, और जो इतराजात हैं इलेक्शन को खत्म करने, ये मशीनें और ये नादरा और ये सारी चीजें आपने देखा कितनी अमेंडमेंट से लाए। लेकिन अगर आपका वाकई ये मोटिव है तो आपकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपके एक्शन से। जितने जिमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें तो ये रेस्ट्रेंट शो नहीं किया इन्होंने, रेस्ट्रेंट शो करते हम कहते जी बिल्कुल इनकी नीयत सही है, कोई इनकी नीयत सही नहीं है, ये कश्मीर में भी वही काम चाहते हैं जो ये कर रहे हैं, जिनका इनको मुंह को नहीं वो खून लग जाता। 2018 में बात बन गई, फिर इन्होंने जिमनी इलेक्शनों में कोशिश की, कहीं कामयाब हुए कहीं कामयाब नहीं हुए। अब ये गिलगित बल्तिस्तान में ये एक्सरसाइज हुई, वहां पीपल्स पार्टी की वाजिया सीटें गिनी जाती थी, लेकिन वहां पे जो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में वो भी आपके सामने है। यहाँ आजाद कश्मीर में तो अगर हफ साहब वोटों से आते हैं तो 1000 दफा हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर इस तरीके से आना है तो फिर क्वेश्चन तो उठेंगे, उंगलियां उठेंगी, बात होगी, धांधली की बात होगी। तो उससे मैं समझता हूं कि वो रिप्रेजेंटेशन जो एक नहायत ही हमारा सास मसला है कश्मीर का, जिसको हम लेके इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं कि जी कश्मीरी लोगों की ये ख्वाहिश है या इस तरह वो चाहते हैं, तो जब हम यहाँ धांधली करते हैं, कोई एक कठपुतली हुकूमत बिठाने की कोशिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर यकीनी तौर पे हम पे भी उसी तरह ही उंगली उठती है जिस तरह इंडिया पे उंगली उठती है कि जी वो वहां पे ये कर रहे हैं, वहां की जो यूनियन गवर्नमेंट है वो वही काम तो हम कर रहे हैं इधर। तो मैं समझता हूँ ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है ये करते हैं, करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं ये बाज आने वाले नहीं, क्योंकि इन्होंने पाई इस तरीके से है, जो पाता है ना वो जिस तरीके से वही वो काम चलता है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल जैन साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन ये बताएं कि पहले किसने ये काम शुरू किया कश्मीर इलेक्शन में, ऐसा क्या हुआ है? हाफिज साहब जी, जैन साहब जी, मैं जी राणा साहब को सर ये इसका जवाब देना चाह रहा था, पहले किसने शुरू किया, बाद में किसने किया। राणा साहब ताली दो हाथ से बजती है और दोनों फरीकैन या तीनों फरीकैन इस सूरत में इसमें बराबर के शरीक हैं, असूलों तौर पे किसी को भी नहीं करना चाहिए। बाकी बात आपने की कमेटी बन गई थी, इलेक्शन होते हैं हर दफा कश्मीर के इलेक्शन में लोग जाते हैं कैंपेन करते हैं, इसी तरीके से आसफा भुट्टो साहिबा भी गई थी, बिलावल भुट्टो साहब का अभी ऑलरेडी बन चुका है प्रोग्राम, उन्होंने ईद के बाद जाना है वहां पर, मरीम नवाज साहबा भी गई है। इस पर कोई कदकंद नहीं लगानी चाहिए हमें कि कोई क्यों जा रहा है, हर किसी का हक बनता है, हर जमात के पास एक है, उनका हक बनता है अपने हक का जाके वो वोट मांगे। तो दूसरी बात उनको जाना चाहिए, अली अमीन गए हैं, मुराद सईद गए हैं, कोई दीगर गया है, 100 दफा जाए, राणा साहब कह रहे हैं वोटों से आए, कोई एतराज नहीं है, वोटों से आने पे एतराज नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं हाफिज साहब मैं उसी पे आ रहा हूं, वोटों से ही हम आएंगे। मुझे हैरानगी हो रही है राणा साहब की बात सुनते हुए, आज कश्मीर में हुकूमत किसकी है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आज एडमिनिस्ट्रेशन किसके ताबे है? मुस्लिम लीग नून के ताबे है। वजीर आजम किसका है? मुस्लिम लीग नून का है। तो हम कैसे किसी और सूरत से आ सकते हैं? सिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, तरीके साहब तो इन्होंने मेरी बात काटी है सिर्फ एक सेंटेंस में, तो मधुखेल साहब से माफी के साथ मुझे ये बताएं, ये जो बात कर रहे हैं पहल, मेरा मतलब पहल मैंने ये नहीं कहा कि वो उन्हें कंपेन में क्यों गए हैं, वो पहले जाकर उन्होंने गाली गलोच की, अगर बिलावल साहब गए हैं तो बाद में गए हैं, आसवा जा रही है तो अब जा रही है, मरियम बीबी गई हैं तो बाद में गई हैं। जब कहते हैं जी ताली दोनों हाथ से बजती है, तो एक ताली वो है जो ऊपर की है, एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मामला को सुलझाने में फेडरल गवर्नमेंट की होती है। ये आप खुदा के लिए जब जिन्होंने ये मान लिया ना कि ट्रेजरी बेंचेस की ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा उनको बिहेव करना चाहिए, अपोजिशन तो टांगे छोटी मोटी खींचती है, उसकी तो सर्वाइवल इसी पे है, तो जब ये मान जाएंगे कि हमारा रोल अपोजिशन का नहीं, हमारा रोल ट्रेजरी बेंचेस पॉजिटिव है, तो फिर मामला हल हो जाएंगे। इनके वालिद साहब भी
बड़े रोल पॉजिटिव करते हैं। कश्मीर में तो सर हमारा रोल ऑपोजिशन का, आपका हुकूमत का। जब तक ये बहस और अपने आप सच्चा साबित करने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह चलता रहेगा। जैसा वो कह रहे, ताली बजाने के लिए पहले हाथ आपने उठा दिया था, वो हाथ ऊपर था, इस वजह से दूसरी ताली बची है। वक्फा एक ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो बंदूक खेल साहब आपका जवाब लेते हैं तफसील से। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ैन कुरैशी साहब, राणा तनवीर साहब, कादिर बंदूखेल साहब मेरे मेहमान हैं। बंदूखेल साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं, 8 बंदू सीटों पे आप इलेक्शन लड़ने हैं और आप बातें जो है ना कि आज़ाद कश्मीरी, पहले बंदे तो पूरे करें आप। अच्छा, ये 2-3 चैनल ने पहले भी मुझसे पूछा था, तो मैंने अपने जो हमारे MNA के ग्रुप है जिसमें बिलावल साहब, वज़रदारी साहब भी है, तो मैंने उसमें वो लिस्ट शायर कर दी है। ठीक, 45 के 45 सीटों पर हमारे कैंडिडेट 2 महीने पहले से डिसाइड हो चुका है, आज नहीं 2 महीने पहले से। ठीक, जब मैंने भेजा तो बहुत सारे हमारे MNA ने जो है ना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, ये हमें नहीं पता। मैंने कहा भाई आपको नहीं पता, मीडिया को बता दो, हमारी मीडिया सर को चाहिए कि वो आगे जाके बता दे। सही। अब फवाद चौधरी से आपकी कौन सी जुड़ कर मैं जवाब दूं, मैं मुराद सईद की कौन सी बात का जवाब दूं, मैं अली गंडपुर की कौन सी बात की, वो शक्ल सी बदमाश लग रहे हैं, मैं उसे आगे क्या बात करूँ। जिस तरह उसने बात की है और मैं शुरू जो इमरान खान साहब के वाले साहब कोई गराजरी पे निकले थे, क्या वो बीमार थे जो नौकरी से निकाले गए, क्या बहुत सारी बातें, क्या इनके एरिया में जो एक लड़की के साथ ज्यादती करके और गलियों में घुमाए गए इसी अली गंडपुर केस में, क्या मैं उस पर बात करूँ। और फिर बिलावल साहब ने, जब ज़ैन कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि बिलावल ये तालिए दोनों से, अब मुझे बताओ बिलावल साहब ने कौन सी गलत बात की। आपको याद होगा जब वो इमरान खान साहब ट्रंप के पास गए और वापस आए तो बकायदे ये सारे आर पूल सारे वजीर लाइन से खड़े थे, जैसे कोई बंदा हज से आ रहा है। अच्छा, हम भी समझे कि यार हो सकता है कोई सेटलमेंट किया होगा कश्मीर आज़ाद करने के, भाई चलो। और एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो है ना आर्टिकल 370 और सेक्शन 35A वाला गया। हाँ, तो 10 दिन बाद तो कश्मीर यानी पाकिस्तान की 73 साल में किसी भी, चाहे हमारी हुकूमत हो, नू लीग की हो, डिक्टेटर की हुकूमत हो, किसी इंडिया ने हिम्मत नहीं की। मगर क्या बात है किसकी। और फिर उसने ये भी सवाल किया था कि मोदी अगर जीत गया तो कश्मीर का मसाला हो जाएगा, तो अब इससे मैं नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, जो सुनने वाले वो क्या बोलेंगे सारे। अब ये सारी बातें करके दूसरी बात, ये गंडपुर साहब की आपने पैसों की बात की, कल उसने, आज मैं देख रहा था या कल देख रहा था, उसमें 500 अरब रुपए दूंगा। अब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल कर रहा हूँ आजाद कश्मीर के, वो तो बड़े भड़के मार रहा था, अब भाई हम कराएंगे, हम इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, ये कौन होता है। ओ भाई जाग जाओ, थोड़ी सी जो आपके पास पोजीशन है, जो आपके पास अख्तियार है, उसका इस्तेमाल करो। केस रजिस्टर करें पांच। ओ भाई अभी क्या बोलूं मैं, एक चीज बताऊं आपको, ये तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऐसे करता था ना, क्या किया उसने, कौन से केस में उसने क्या किया। अब सवाल ये, 500 अरब दूंगा और फिर 4 से 5 अरब रुपए एक मेंबर को मिलेंगे बेसिक, भाई ये तो सीधे साधा, यानी जो ज़ैन कुरैशी साहब बता रहे कि सियासत है सर, भाई हम तो बैठे हुए, हम तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए खुद राणा साहब ने कंफर्म किए, वहां वो भी हम जीते हुए थे, ये भी हम जीत रहे क्योंकि हमारे 45 के 45 सीटों पर खड़े और बड़े लड़ लड़ के खड़े हैं बड़े, यानी कई लोगों को तो मेरे पास सिफारिश है कि भाई उसको टिकट, उसको मीटर के क्या जो क्या फैसला कर, मायूस होके अमेरिका चले गए। नहीं, अब बिलावल साहब की जो बात कर रहे हैं इनकी, मैं वो सख्त बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं, बहुत सारे एंकर ने मुझे सवाल किए कि बिलावल साहब क्या वो वहां पे अपनी हुकूमत, जैसे वो शहबाज गिल, जैसे वो फिरदौस आवान है, ये है, आप देख रहे जो ट्रेनिंग उसको मिली है उसी तरह बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका से जाके अपनी हुकूमत बनाने चाह रहे, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना वो अमेरिका में बनती है, अमेरिका से बनती है। क्या रंगीला का एक फिल्म था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्या उसकी शूटिंग अमेरिका में हुई थी, क्या 2018 से पहले फिल्म अमेरिका में शूटिंग हुई थी। तो भाई आप, और फिर दूसरी बात, असेंबली में जो आप भड़के मार रहे हो कि भाई मैं हड्डे नहीं दूंगा, आज न्यूज आई अमेरिका ने कहा, हमने कहा तो हमने कब कहा, ये खुद ही खामखा आवाम को बेवकूफ बनाने की बात करे। लेकिन मैं एक चीज ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ अपनी पोजीशन, क्योंकि वो उसको टेलीफोन तक नहीं कर रहा है बात, ये हमारे खारजा से इंतहाई मदरत के साथ कुरैशी साहब के वाले साहब वजीर खारजा है। आप मुझे बताओ, वजीर खारजा होते हुए पीपल्स पार्टी के दौर में था, यही सीपेक, यही जरदारी साहब के नव दौरे वो सीपेक करे, आज भी उनके वालिद मोहतरम वजीर खारजा है। ईरान से हमारे ताल्लुकात खराब, सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब, अफगानिस्तान से हमारे खराब, अमेरिका हमसे बात नहीं करे, सीपेक हमारा सरमुरी का शिकार हो चुके हैं। तो भाई आपने क्या बनाया, खारजा पॉलिसी पे बड़ी लंबी बात हो जाएगी फिर। ज़ैन साहब को जवाब देना है, ज़ैन साहब, बिलावल साहब अमरीका गए, क्या एतराज है भाई उनकी, वो अपने किसी निजी दौरे पे गए, कॉन्फ्रेंस में गए, आप ये कि जी CV लेके चले गए, वो वहां ये करना चाहते हैं, इसकी क्या जरूरत।
सर दो बातें, सबसे पहले तो मंदोखेर साहब काबिल इज्जत हैं, वो कहते हैं मैं सख्त बात नहीं करना चाहूंगा, फिर बातें भी कर देते हैं और फिर मेरी भी कोशिश होगी सख्त बात ना हो, लेकिन देखिए मंदोखेर साहब ने जो भी बात की है और बिलावल भुट्टो साहब ने जो कश्मीर में बात की थी, ये निहायत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं। अब मंदोखेल साहब का कह देना कि जी वो आर्टिकल 370 वहां पे रिवोक हो गया, 35 वहां पे रिवोक हो गया और उसको तशबीह दे दी कि इमरान खान साहब के विजिट के साथ, ये मुल्क जैसे आपको नहीं पसंद तरीके से आपका चेयरमैन है जो भी है, लेकिन आज वो मुल्क का वजीर आजम है, आप मुल्क के वजीर आजम के बारे में ये जो है इतनी बड़ी अजम्पशन नहीं कर सकते। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जलसों में खड़ा होकर कहना कि जी कभी किसी ने कोई बेस नहीं मांगा था और वजीर आजम पाकिस्तान झूठ बोलते हैं कि जी हम कोई बेस नहीं देंगे, अमरीका ने कभी कोई बेस मांगा ही नहीं था। भाई मैंने तो ये सवाल नहीं किया था, अरब उसका अफगान टेलीफोन जो है टेलीविजन उसके रिप्रेजेंटेटिव ने सवाल किया जिसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, तो वो हमारा प्लांटेड सवाल तो नहीं था, उन्होंने सवाल पूछा तो उसका जवाब दिया ना। लेकिन ये इस चीज को गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगु है ये, और एक पार्टी के सरबराह एक इतनी बड़ी जमात का चेयरपर्सन को जेब नहीं देता कि वो भरी महफिल में जाकर कहकर जी वजीर आजम पाकिस्तान झूठ बोलते हैं, इस चीज को मैं इरिस्पॉन्सिबल कह रहा हूं। इसी तरीके से मुझे कोई इतराज नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अमेरिका के दौरे पे, लाख दफा जाए अमेरिका के दौरे पे, लेकिन एक तरफ से आप कहते हो कि जी कश्मीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन हो रही है और यही दिन आपको मिलते हैं अमरीका जाने में। मुझे नहीं पता कि वो किस लिए अमरीका गए हैं, क्या हासिल करने गए हैं, जाति निजी दौरे पर गए हैं या सरकारी दौरे पर गए हैं अपनी किसी पार्टी की। मैं भी जा रहा हूं, मंदोखेल साहब कह रहे मैं भी जा रहा हूं, आप भी जरूर जाएं, आप भी सर जरूर जाएं, बस ये ख्याल कीजिएगा बिलावल साहब को तो कोई एयरपोर्ट से भी रिसीव करना भूल गए थे, आपके लिए कहेंगे तो मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर दूंगा। आपका तो कोई मुस्तकबिल करीब में चक्कर नहीं है, क्योंकि अब अमरीका के चक्कर से बहुत सारी दूसरी चीजें निकल रही नहीं। बाकी मंदोखेल साहब ने खारजा पॉलिसी पे बात की है, वो बहुत लंबी बात है। जी राणा साहब, मैं समझता हूँ कि जो जैन साहब ने बात की है या इनकी पार्टी बात करती है, ये रिपीटली कर रही है कि अमेरिका वो अपना सीवी ले गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनके कोई अपने तजर्बे हैं कि अमेरिका में जाके सीवी दिखाते हैं तो कुछ शायद काम बन जाता है। तो राणा साहब वो तो टेलीफोन ही नहीं सुनते जी, वो तो अमेरिका वाले तो टेलीफोन ही नहीं सुनते। टेलीफोन का जवाब ले ले, ये आप टेलीफोन राणा साहब कथा करा भी माफ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, कथा करा भी माफ, टेलीफोन का जवाब ले लेंगे। दो दफा बात आ गई है, वजीर खाजा पाकिस्तान की अभी डेढ़ घंटे की कॉल हुई है एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ और बहुत सारे। नहीं नहीं, इमरान खान साहब की बात करो, इमरान खान साहब से बात नहीं करते। वो कह रहे शाह, वो कह रहे अमेरिकन, वो मंदोखेल साहब कह रहे हैं अमेरिकन शाह महमूद साहब से बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब से बात नहीं कर रहे। आपके वाली साहब से तो कर रहे हैं, इमरान खान साहब से नहीं कर रहे। नहीं, वो फर्क सिर्फ इतना है कि जब पाकिस्तान खुद मुख्तार होता है, जब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करता है और अमरीका की मर्जी के फैसले नहीं करता, तो जाहिर अमरीका को हो सकता पसंद ना आती हो ये बात। जी राणा साहब, जब जैन साहब अमेरिका में थे तो उनके कोई वाइस प्रेसिडेंट थे, या मुझे ये जैन साहब बताएंगे जिसके ऑफिस में इन्होंने अप्रेंटिसशिप की या वहां पे काम करते थे, तो उस वक्त भी वो तस्वीर मुझे याद है, वाले साहब के लिए उनको वजीर आजम बनाने के लिए वहां पे लॉबी कर रहे हैं या उनके साथ उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये तो फर्ज बनता है राणा साहब, कोई भी बेटा आपका बेटा होगा तो बिलावल साहब ने असेंबली में कहा, ये बिलावल साहब ने असेंबली में कहा, ये बात इसलिए मैं कहता हूँ इनको ज्यादा पता है कि अमेरिका वाकई यहाँ का वजीर आजम बनाता है या गवर्नमेंट बनाता है, और ये इसलिए पीटीआई की गवर्नमेंट शायद बनी हो, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। राणा साहब मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप बुजुर्ग हैं, अगर मैंने अपने वालिद साहब के लिए लॉबी किया होता वजीर आजम बनने के लिए, तो रेमंड डेविस के मामले के ऊपर जहां रहमान मलिक साहब हाथ जोड़ के खड़े थे, जहां यूसुफ रजा गिलानी साहब हाथ जोड़ के खड़े थे, जहां जरदारी साहब मिनते कर रहे थे कि अल्लाह का वास्ता इसको इस्तीफा इसको इस्तस्ना दे दो, तो फिर शाह महमूद कुरैशी डट के ना खड़ा होता। नहीं, रेमंड डेविस अपनी राणा साहब बात कंप्लीट करें। महसूस करके मैंने कहा कि अगर ये होता है तो फिर शक तो ये पड़ता है ना, ये बात अगर इस किस्म करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ना कि वाकई में अमेरिका में इस तरह के काम होते हैं, हमें तो ऑनेस्टली नहीं पता कि अमेरिका कोई इधर बनाता है वजीर आजम। अगर पिछले बातें सुनते हैं कि फला बंदे से आप मैं वो नहीं उसमें फैमिली में नहीं जाना चाहता कि फलां वजीर इस तरह वजीर आजम बन जाता है, तो
तो वहां पे एक मुशायरे में भी कोई बात हो रही थी कि हमें भी कोई चाहिए, हम भी सदर बन जाएं यहाँ के, तो वो शायद आपने मुशायरा सुना हो, तो पीछे से कह रहे थे कि और ये बात बात करो, ये बात बात, और राणा साहब वो अदनान समी खान का गाना है, मुझ भी कोई लिफ्ट करा दो। तो मैं इन बातों पे नहीं जाता, ये ऐसे चलती हैं। देखें ये जो 2018 का इलेक्शन है उस पर क्वेश्चन खड़े हुए हैं हमारे, और जेन्युइनली हुए हैं, अवाम से पूछ लें कि क्या हुआ है। ये इलेक्शन लड़े हैं, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, जनरल इलेक्शन में जो हुआ है वो सबके सामने है, लेकिन वो आप पिछली पुरानी बात हो गई है। हमने तो कमीशन बना दिया इनके कहने पे, धांधली पे, और उसकी रिपोर्ट आ गई। लेकिन जो इन्होंने कमेटी बनाई, जिसके परवेज खड़े साहब कन्वीनर बनाए, जिसमें मैं भी था इलेक्शन मीटिंग पे, इजलास ही नहीं, आपको याद हो, मीटिंग हुई है उसकी, आप मुझे बताएं ये किस तरह फेयरनेस की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें ना करें। ये इनका जो माजी है पीटीआई का, वो इतना दागदार है सियासी तौर पे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से। आज भी पार्लियामेंट को इन्होंने अंडरमाइन किया हुआ है, वहां पे जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम नहीं चलता, लेजिस्लेशन पर डोज होती है, एक एक घंटे में 30-30, ये हिस्ट्री कर दी है, 20-20 बिल निकल जाते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कह रहे थे मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, कोई जवाब देने के लिए नहीं आता, वो बेचारे जो नहीं आते, नहीं कौमी असेंबली भी नहीं आया, आज भी कोई नहीं है। बात कर रहा हूँ जब उन्होंने कहा जी लॉ मिनिस्टर इधर है तो कोई नहीं था, तो अखीर फतियाना साहब खड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी आज का दिन मुझे लॉ मिनिस्टर समझे, मैं बैठा हुआ था, राणा साहब सही कह रहे हो, बात करूँ ये तो इसी वजह से असेंबली का इजलास बर्खास्त कर दिए कि कोई था ही नहीं वजीर। मैंने कहा जी कि मैंने देखा 2018 से पहले जब बजट में मैंने स्पीच की कि जब बजट होता था, हाफिज साहब आप तो छोटे हैं, आपने पीछे पता नहीं देखी है असेंबली या हुकूमतें, वहां पे वजीर खजाना मुश्किल बैठता था, नोट्स लेता था, फिर गैलरी में पूरी वजारत खजाना इंक्लूडिंग एफबीआर वाले चेयरमैन, और जब क्वेश्चन आंसर होता है, मैं आपको ये रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, रेलिवेंट मिनिस्ट्री अगर खजाने के जवाब सवाल है तो इनकी मदद के लिए, जैन साहब की मदद के लिए या फाइनेंस मिनिस्टर की मदद के लिए, वहां पे गैलरी में सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी सारे बैठे होते थे, मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी फाइव में था खजाना का, तो उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन आता था सप्लीमेंट्री, तो वो चिट भेजते थे मुझे लिख के गैलरी से, मतलब ये एक चीज, एक था सिलसिला, सेंटिटी थी। अभी तो बजट की स्पीचें हुई हैं, तो जिसकी स्पीच हुई है उस वक्त जिनेजो साहब बातें खुद जवाब देते थे, मेरी बात सुन ले, क्वेश्चन आवर में जिनेजो साहब बैठते थे, जब मिनिस्टर फंसता था किसी जगह पे भी तो उठ के खड़े होकर जवाब देते थे यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात ना करें, हम जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टोटल एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह, बल्कि हैं, तो मैं समझता हूँ नहीं, हमें जो चीजें बेहतर, जो सिस्टम के लिए बेहतर है वो करनी चाहिए, वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है मंदूखेल साहब, ये आज मुनीस सिलाई साहब के वजीर बनने की, गवर्नमेंट आपको अंडर प्रेशर नजर आती है इत्यादियों का, और कह रहे हैं वो असल में जब चौधरी साहब के साथ जरदारी साहब की मुलाकात हुई है तो उससे कलबली मच गई, और बहुत सारे लोग जो सवाल भी कर रहे थे मीडिया वाले कि भाई क्या क्या होने वाले, मैंने कहा एक जरदारी साहब प्रभारी है ना, ये तो मानते हो ना, अभी उसने मुलाकात, वजीर बनना हो जरदारी साहब से मिल ले वो बन जाएगा, ठीक है ना, मैं तो ये मैं कहता हूँ बन गया ना, जरदारी साहब की वजह से बन गया, और किसकी वजह से बन गया, वो अगलों को इतना खौफ है कि ये पता नहीं क्या करेगा। बात ये है, यही तो मेरे राणा साहब की पार्टी से मेरा गिला है कि 7 सीटों पर पंजाब हुकूमत खड़ी है, 4 पे वफाक खड़ी है, और जहांगीर तरीन साहब के पास 40 है, 32 MP और 8 MN है, तो इसीलिए जब बजट की भी बात आई तो जरदारी साहब अपना बिलावल साहब ने यह कहा कि हमारे 56 MN आप क्या वाले, ठीक है, अब वो अवाली क्या होना था गुखदी गैर हाजिर रहे, चलो शहबाज शरीफ साहब मैं मान लेता हूँ कि फौजगी हुई है, शायद खाकान अब्बासी साहब क्यों नहीं आया, कह रहे पेशी थी, तो भाई पेशी में वकील हूँ, पेशी तो 8 बजे होती है,
वो तो इजलास तो रात 11-12 बजे तक चलता था। तो बहरहाल यहाँ से यकीनन थोड़ी सी एक हो जाती है, दिल में कोई मेल आ जाता है कि ये क्यों हुआ। तो सवाल ये, आज भी मैं कहता हूँ, आज भी राणा साहब सुन रहे मेरी बात, आज भी मैं दावे के साथ करूँ कि नून लीग अगर सही तरह से खड़े हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ, ये घंटों में पंजाब की पूरा खत्म हो सकती है। जैन साहब, ये अंडर प्रेशर है एक्सटेंशन मजीद, पहली बड़ी भारी भरकम काबीना है, 50 से ऊपर पता नहीं कितने मावने खुद अब कहते हैं जी एमकेएम को भी दे रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी, मजीद कैबिनेट जो है ना वो बढ़ रही है, प्रेशर है या जरूरत है? हाफिज साहब, दो चीजें हैं। पहली बात तो जब कैबिनेट एक्सपेंशन होती है तो उसमें जहर इतिहादियों का भी एक हिस्सा होता है, उनका हक होता है और उनको वो मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ हमारी इतिहादी है, बीएपी हमारी इतिहादी है, अगर उनको कोई वजारत मिलती है वो उनका उसमें एक हिस्सा है। इसको कोई और तशबीह देना कि कौन किस पे भारी है और किसकी किससे मुलाकात हो गई, मेरे ख्याल से गलत होगा। बाकी मंदुखेल साहब फरमा रहे थे कि एक जरदारी साहब पे भारी, तो जरदारी साहब तो 4 दिन लाहौर बैठे रहे और आपके सामने हैं कौन को मिलने गया और कौन को ना मिला और किसके मुंतजर थे और कौन ना गया, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। चौधरी राय देखते रह गए, कोई उनको मिला नहीं। बाकी आखिरी बात ये करूंगा कि वो गिला जायज कर रहे हैं, अपनी तरफ से बजा कर रहे हैं राणा साहब की जमात से कि हम उनके साथ खड़े हो जाए तो शायद कुछ लिए, लेकिन वो कैसे खड़े हो जाए उनके साथ जब आप अपने वादों पे नहीं खड़े होते। आपने वादा ये किया कि जी अगर इलेक्शन जीतेगा होगा और फिर रातों रात चोर दरवाजे से गिलानी साहब को लीडर ऑपोजिशन बना दिया। नहीं, कोई चोर दरवाजे से नहीं बनाया। आपने अभी आखिरी बात करके मुझे और राणा साहब को नल रहो, आप और राणा साहब की पार्टी ने पंजाबी वक्त खत्म हो रहा है। राणा साहब सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, वो कहते हैं हमारे साथ खड़े हो जाए हम गिरा देंगे इनको। कादर खान की बात का जवाब दूंगा। ये जंगीर तरीन की बात करते, पहले तो 6 वोटों का बाद नहीं है, वहां पे कोई 20-30 वोटों का वो है फर्क है, लेकिन हम तैयार हैं। मैं इनको टीवी पे कह रहा हूँ, हमें ये हम कहते हैं हमें बता दें आपके पास कितने लोग हैं ताकि हमें हम देखेंगे वाकई बात दुरुस्त है। अगर आप के पास है, आप तरीन की बात करते हैं, जिस तरह चौधरी परवेज राई साहब जरदारी साहब को मिलके ये राणा साहब कोशिश करने में अर्ज तो नहीं है ना कोई राणा साहब है, एक गुजारिश सुन ले, कोशिश करने में अर्ज तो नहीं है ना। जी जी कादर साहब मेरी बात सुन, अच्छा चले आराम से आपको समझ आ जाए। जी जी मेरा बिलीफ है कि ये जो लोग हैं ये हमें मिलते हैं इमरान खान साहब को दिखाने के लिए, उनको जब दिखाते हैं कि हम इनके पास बैठे हैं तो कोई चीज उनसे कोई कंसेशन सियासी तजर्बा राणा साहब सीनियर आदमी है, इसको कहते हैं सियासी तजर्बा। हमें पता था, मैं ईमान से मैं कहता था सवाल ही नहीं पैदा होता, ये सिर्फ एक छोटी सी मार है कि इनडायरेक्टली पैगाम चला गया ना, फिक्र ना करो बच्चे, वही हुआ कि एफ आई ने वहां पे बयान दिया हाईकोर्ट जाओ कोर्ट क्या, हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी हमने नहीं इसको अरेस्ट करना, जमानत पे थे वो प्री अरेस्ट पे, ठीक एनआरओ हो गया, शिबाज साहब को जहाँ ये खेच रहे हैं वहां पे उनको एनआरओ दिया, और खुशी शाह साहब 2 साल से जेल में, राणा साहब ये भी बात करें। सैन साहब से मैं मुतफिक हूँ कि अगर ये पहले दिन मुंह से लाइको बनाते उनका पहले दिन आपको पता है मुतालबा था, वो नाराजगी एक ही बात की थी, ये कहते थे मुंह से लाई बड़ा करप्ट आदमी है, जी जी बिल्कुल, इसको मैंने नहीं बनाना, मेरी गवर्नमेंट रहे या ना रहे, ये जैन साहब हंस रहे हैं हमें पता, लेकिन है। लेकिन ये क्रेडिट जरदारी साहब को दे देने की मुलाकात ने बना दी ना, तो मुंह से लाई के साथ बहुत बिरादराना ताल्लुक है भाई, ये मेरा मैच के बारे में कभी ऐसी बात नहीं, इनका सिटिंग एमएलए था दी लूट मार मचा दे, कतलो गारत कर दें, डाके मार दें, कातल भी उनके साथ बैठे हुए हैं जो टकातल, ये किसी को नहीं निकालेंगे इसलिए कि 6 वोटों पे या 4 वोटों पे खड़े हैं, ये अफोर्ड ही नहीं करते, ठीक किसी एमएनए असम बाकियों को निकालते रहे, बेशक त्रीन को निकाल दें, आजम और जफर बाबा जो असेंबली में नहीं है वो निकलेगा, जो असेंबली में वो नहीं निकलना, वजारत से निकाल लेंगे इलेक्टेड बंदे को कैबिनेट से, करप्ट आते तो आधी कैबिनेट तो करप्ट है। अच्छा चलो वक्त खत्म, एक आखिरी जुमला मेरे सुन ले, आखिरी जुमला ठीक वक्त खत्म, आखिरी जुमला मेरा, जहाँ खबर चली थी कि जहांगीर तरीन साहब से जरदारी साहब मुलाकात हो गई उनको इनारो दिया गया, जहाँ खबर चली चौधरी साहब से उनको वजारत, ये तो मानेंगे आप? राणा साहब सहन कुरैशी साहब चक्कर में आए, हमें भी ना वसूलील करवाए, राणा साहब जैन कुरैशी साहब कादिर मंदुखेल साहब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, इसी वक्त अल्लाह हाफिज़।